दिल्ली और पंजाब के रास्ते हिमाचल की सियासत में जो रजमाइश कर रहे अरविंद केजरीवाल, क्या यहां जनता को आकर्षित करने में सफल होंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि हिमाचल में इस वक्त सबसे ज्वलंत मुद्दा है बेरोजगारी का। हिमाचल में करीब 10 लाख युवा बेरोजगार हैं और अरविंद केजरीवाल नौकरियों का दावा करते फिर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के दावे सवालों के घेरे में इसलिए हैं क्योंकि विपक्ष ने आरटीआई का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार को घेर लिया है। रोजगार को लेकर जो दावे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में किए थे, उन दावों पर सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष ने आरटीआई का हवाला देते हुए ये साफ किया है कि 7 सालों में दिल्ली में सिर्फ 3,686 नौकरियां ही मिल पाई हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल करीब 10 लाख नौकरी देने का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल जो कहता है करता है, झूठ नहीं बोलता। मैं सारी घर में कैलकुलेशन करके आता हूं। मैं दूंगा नौकरी, आप पूछोगे कैसे देगा नौकरी, है ना भाई, कैसे देगा नौकरी? दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है, दिल्ली में 10 लाख बच्चों को नौकरी दी है। नौकरी देनी आती है मेरे को, दिल्ली में दिया तो आपको भी दे सकता हूं कि नहीं दे सकता। हालांकि समाचार फर्स्ट दोनों पक्ष के दावों की पड़ताल कर रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर सियासत के इस खेल में कौन सच्चा है और कौन झूठा। हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखा जाए तो विपक्ष का ये खुलासा आम आदमी पार्टी को मुश्किलों में डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।